एक्चुअली पूरा फूल हो गया देखिए। और इसका नाम मुझे पहले बोला गया है कि ये शार्क मच। साढ़े पाँच से ज़्यादा हो रहा था और 5:45 हो गया है शायद। हम लोग तो आजकल बहुत जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे से पहले ही, और आदि उठ के पढ़ाई करता है तो सेम टाइम में बाहर बैठ के ना अपना एक्सरसाइज योगा वगैरह ख़त्म कर दिया। और अभी आ गई हूँ, छोटा मोटा जो काम करना है काम है उसको भी फिनिश करना है। किचन में आ गई हूँ, यहाँ पर मुझे मेथी उबालना है, दूध भी उबलना है, और हस्बैंड और खुशी सो रहे हैं। और सोच रही हूँ थोड़ा मुझे वो मिल्क शेक एक बना देना है, वो उठ के पास के पियेंगे। और यहाँ पर मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ, देखिए आजकल कोयल बहुत अच्छा शोर कर रहा है मोर से। यहाँ पर आम के पेड़ में बहुत ज़्यादा मतलब जो बोल हम लोग इसको बोल बोलते हैं वो सब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसी बीच बैठ के कितना सुंदर गाना गा रहा है। और आपके साथ देखिए आप सुनिए बहुत, होप आपको अच्छा लग रहा होगा शायद। पर जो फ्रूट्स थे उनको ना बच्चे उठते हैं उनको सेपरेटली जब देती हूँ, फ्रूट्स और आलमंड वगैरह वो इतना अच्छा खाने के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं आता। तो आज मैं सोच रही थी उनके लिए थोड़े मिल्क शेक बना लूँगी। वैसे हस्बैंड और खुशी सो रहे हैं और हम दोनों माँ बेटे भी जाग रहे थे। तो सारा फ्रूट्स यहाँ पर केला है, एप्पल है और अनार है और आलमंड है, काजू और नारियल एक पीस था फ्रिज में। सो सारा डाल के मैं जा रही हूँ, दूध के साथ अच्छा वाला ड्रिंक बना लूँगी। और आदि बोल रहा है मुझे भी इसको करना है, तो वो अपनी रेसिपी रेडी कर रहा है, उसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल दे। मैं इसमें चीनी नहीं डालती, वैसे ही ग्राइंडिंग करके दे देती हूँ। और अनार और आलमंड बाद में मैं गार्निश कर दूँगी। तो इसी के साथ मेरा अच्छा वाला ड्रिंक रेडी हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी बगीचा में फूल तोड़ने के लिए। आज संडे था तो मैंने किया, मैं जैसे तो वो हस्बैंड और आंटी वो लोग फूल लेके आते हैं डेली, आज मैं सोच में जा रही हूँ मतलब फूल तोड़ लूँगी, टाइम है पास मेरे। तो बगीचे में देख ही सकते हो कितना ज़्यादा हिबिस्कस है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, टोकरी भर के होता है ये सारा हिबिस्कस। तो उसको तोड़ लूँगी। और मेरा जो छोटा छोटा यहाँ पर पौधा लगा है, करी पत्ता है और टमाटर, हरी मिर्च, बहुत सारा पौधा है नया नया यहाँ पर लगा है, उसको भी देख रही हूँ। और मेरे किचन से ना जो पानी निकलता है वो सारा पानी यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है, या इसको फेंक के नीचे आ जाता है, वो यूटिलाइज हो जाता है मेरे किचन का जो भी वेस्ट वाटर है। तो उसको भी देख रही हूँ, और सारा जितना फूल था उसको सारे तोड़ के जा रही हूँ घर। और खुशी को भी अभी रेडी करके भेजना है, उसका संडे उसका क्लास रहता है डांस का क्लास, तो वो भी रेडी होके चली जाएगी। तो पहले जा रही हूँ वही काम कर लूँगी। कैसा है टेस्ट हेल्थ ड्रिंक का? अच्छा है। और थोड़ा पोमोग्रेनेट थोड़ा डाल दो, पोमोग्रेनेट नहीं इतना ही चलेगा। अच्छा जल्दी पियो, रेडी हो क्लास के लिए। देखो 7:47 हो गया, जल्दी 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 पी लो, जल्दी ठूस लो। धीरे जा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फ्रेश वीडियो। तो सुबह का मेरा जो रूटीन रहता है वो सब ख़त्म करके अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और ठाकुर जी का पूजा भी मेरा हो गया है, और अभी जा रहे हैं थोड़ा लंच के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो
दोस्तों चलिए वीडियो को आगे ले जाते हैं और लंच में क्या क्या बनाऊंगी। मेरा संडे का ये रूटीन रहता है तो आप लोगों के साथ मैं आज ये वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और नादी का भी एग्ज़ाम कल है, लास्ट डे है एग्ज़ाम का, और तो इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो मैं आजकल नहीं कर पा रही हूँ। तो जितना भी छोटा सा वीडियो है, उम्मीद है आप लोग इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों एंड आप सबको रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इतना ही रिक्वेस्ट दोस्तों, आप लोगों से इतना ही उम्मीद है। चलते हैं दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कितना सारा, ये एक बोतल चॉकलेट और ये एक है ना सब छोड़ो बोलो मैं नहीं खाऊंगी नन्ना का। तो मेरी संडे ये लड़की ये सब लेके आती है। और ये देखिए इतना बड़ा हो गया है, ये चॉकलेट ये खाएगा। इसे दो, इसको दे दो, कुच्ची को दे दो, कुच्ची को छुई मुई। ये बॉटल है, पप्पू बॉटल पिएगी तो पप्पू बॉटल पिएगी। और लाइए या फिर इतना और लाइए, इतना सारा हर दिन वो ले जाते हैं ना। तुम्हें चिकन खाओगी या मछली, क्या चाहिए? चिकन। मछली थोड़ा खा लो है? चांदी मछली है, चांदी। और इसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और ये देखिए पूरा फटी। चलो सारा फ्रिज में रख दो, चलो नहाएंगे। चलिए दोस्तों खाना थोड़ा रेडी करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने चावल चढ़ा दिया और तावा भी गर्म हो गया है। और यहाँ पर मेरा मछली आ गया है, देखिए कितना बड़ा बड़ा, मतलब एक थाली में ना चार पीस मतलब मछली पूरा फूल हो गया देखिए। और इसका नाम मुझे पहले बोला गया है कि ये शार्क का मछली। और मैं बेवकूफ़, मैं हाँ मार रही थी, मुझे लगा हाँ सच में शार्क होगा। क्या नाम है इसका? रूप चांदी मछली। मैंने कभी नहीं देखा था इतना बड़ा बड़ा, देखिए मैं दिखाती हूँ पूरा ये साइज। मेरा छोटा सा पाम है और यहाँ पर देखिए ये टोटल साइज है, इससे भी बड़ा है देखिए ये मछली का पीस। और इसको मैं जारे में भी फ्राई करूँगी। देखिए तीन पीस मछली और मेरे तावा में बिल्कुल ही फूल हो गया है। ये तावा ना तीन पीसेस में ही फूल है। और भी एक पीस देखिए, उसको बाद में इसमें फ्राई करेंगी। और इसमें थोड़ा मसाला दे दूँगी, देख रही थी मसाला देख के इसको फ्राई करूँगी, मना तो कर रहे हैं। और भी एक पीस देखिए, अब एक पीस यहाँ पर है सुषमा माँ, आज इसको खा लो, इसी को खा लेते हैं है? हे बाहर इसको खा लो, चिकन बाद में करेंगे रात को। नहीं चलेगा चिकन देखेगी तो कुछ नहीं खाएगी। चिकन के लिए प्याज में भून रही हूँ और यहाँ पर मेरा मछली भी बन गया है। चिकन के साथ मछली आ गया है और देखिए मेरा मछली अच्छे से देखिए फ्राई हो गया। देखिए सारा मैं निकाल दूंगी और अभी थोड़ा इसको मसाला देके फ्राई करूंगी सरसों का। इसमें डालेंगे डाल के ना तावा में फ्राई करूंगी। चांदी मछली का फ्राई होगा, सरसों वाला फ्राई। तेल देखिए बहुत कम ऑयल में मैं करूंगी आज, दिखाऊंगी। हल्दी नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, मतलब मिर्ची इसमें सब है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना।
ये मसाला मेरा खुद ब खुद ही, उसमें जो पानी है ना बस खुद ब खुद ही भाप हो जाएगा। अच्छा साइड सूखा सूखा इस टाइप देखिए साइड में इसका थोड़ा मैंने सरसों का ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है और अभी कुछ काम नहीं है, बस इसको थोड़ा उलट पुलट कर दूंगी और फाइनली मेरा बन जाएगा सरसों वाला फिश फ्राई। देखिए इतना अच्छा लुक इसका है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होगा। इतना बड़ा पीस है, डर लग है टूट जाएगा जैसे, और इसको थोड़ा और फ्राई कर दूँगी एक मिनट के लिए। बस हो गया तावा फ्राई मछली। खुशी मामा तुझे तुम हाँ तुझे सर्दी है और खांसी छींक है, ये सबका सबको देखे ये भी बोल रहे हैं मुझे पखाल खाना है। चिकन के साथ सूखा चावल क्यों नहीं खाई? अच्छा है मछली का टेस्ट कैसा है? कैसा लग रहा है? सार मछली मछली मुझे लाके बोले कि शार्क मछली है। क्या नाम है इसका? चांदी रूप चांदी। अच्छा एक नया मछली, मुझे तो मछली वैसे ही पहचानना नहीं आता। चांदी का चटनी, चांदी का चटनी पखाल के साथ मछली फ्राई। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा खा लेते हैं और आपके साथ थोड़ी देर बाद खाने के बाद मिलेंगे। पारस्परिक सहावस्थान व्यवस्था हेला मैंग्रोव फॉरेस्ट कोट है हारा है ना। एनुअल रेनफॉल हुए 120 सेंटीमीटर जो थी सेटा को सेटा मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है स्पेसिफिकेशन है ला लूट सारा। अब खुशी मामा का क्या पढ़ रहे हैं? खुशी मामा साइंस का तो मैं अभी पढ़ रही हूँ ये और वो भी मतलब सबकस के साथ वो पढ़ रही है। जल्दी जल्दी पढ़ो डिनर करके सो जाए। हैं मामा को कल क्या टिफिन लेंगे? पराठे, पराठे के साथ सॉस चलेगा? नहीं आलू पराठा चाहिए। आलू पराठा चाहिए इसको और उठूंगी तो जल्दी बनाऊंगी। ठीक है अच्छा, बना देगा। तो ओके दोस्तों वीडियो को भी आज यही एंड करूँगी और एसेंस है ये बहुत मतलब जितना लेबर है और उससे ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता है। बच्चों का एग्जाम है तो नेक्स्ट वीक को किसी का भी एग्जाम स्टार्ट नींद नहीं आता और सुबह भोर से उठ के रात के 11 बजे तक ऐसे ही रहना पड़ता है, आँखें रहना पड़ता है। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ तो अभी जा रही हूँ फौरन खाना कुछ बना के खा लेंगे और तुरंत सो जाऊँगी फिर बोर से कर होता है। तो अभी दोस्तों मिलते हैं आपके साथ और एक वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय, एंजॉय जगन्नाथ।